पानीपत में कावड़ी गांव के पास तीन स्कूली छात्र सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्रों की बाइक अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिससे ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। वहीं इस हादसे के बाद पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सुबह 7:30 बजे श्री आनंद सैन का लड़का था गांव काबड़ी से, और सुबह अपने दोस्त को लेने के लिए गया हुआ था गाँव सिठाने से, और सिठाने से वापसी के दौरान जैसे ही पुलिया के पास पहुँचे तो वहाँ हमारे को तो पता लगा कि एक्सीडेंट हुआ। आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ता हम नहीं आज वो स्कूल में जाता है। वो सुबह काबड़ी के दो लड़के थे ना, वो उनके साथ जाता था। वो काबड़ी के दोनों लड़के आए और उसको लेके गए रात को। तो ये कोई 7:30-8 के करीब स्कूल में जाते हैं, स्कूल में तो वहाँ ये कोई नहर है काबड़ी के पास, उसके पास ये टकराए हैं, किससे टकराए ये कोई पता नहीं। तो उनकी दो की जब हिंडा चो गया इसकी रास्ते में दो की मौके पे पता लगा कि पता लगा जी फोन गया नहीं नहीं कैसे ट्रैक्टर जो मार के गया ट्रैक्टर उसका पता लगा उसका कोई पता इसको चोट कहाँ आई हुई थी जी उसके सिर में पीछे आई है। ये तीनों जो थे अंकल ये तीनों जो थे इकट्ठे जाते थे रोज? हाँ इकट्ठे, कभी तो ये मोटरसाइकिल लेके जाता था जब जाते थे, कभी वो लेके आ जाते थे। तीनों मतलब स्कूल में जाते थे इकट्ठे। कौन सी क्लास में थे सारे? 12वीं। हेलमेट लगा रखा था जी किसी बच्चे ने? हेलमेट वगैरह लगाते थे? इसमें हमने सूचना मिली थी भाई काबड़ी गांव के पास एक अननोन व्हीकल के साथ एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें तीन लड़के एक्सपायर हो गए हैं। हम सरकारी अस्पताल में आ गए, उनकी कार्रवाई करा रहे हैं। छात्र थे, ये छात्र थे जी, एक तो कपिल है, एक नीरज है, एक अन्नी है, तीन लड़के। तो सर क्या इसमें हम कोई मामला भी दर्ज कर सकते हैं? हम मामला दर्ज कर दिया जी एक्सीडेंट का, दुर्घटना का।